जयपुर के ऐतिहासिक जयगढ़ किले में हाल ही में एक अनोखा और दिलकश शो रोजेव का आयोजन हुआ, जिसे फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया और एलियंस फ्रांसे नेटवर्क ने मिलकर प्रस्तुत किया। इस अद्वितीय शो का मंचन फ्रांस की प्रसिद्ध परफॉर्मेंस कंपनी ग्रेट सीएल द्वारा किया गया, जो अपने एरियल और एथलेटिक प्रदर्शनों के लिए जानी जाती है। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात थी 6 मीटर ऊंचे धातु के खंभों पर कलाकारों का प्रदर्शन, जहां वो हवा में झूलते हुए और नृत्य करते हुए मानो आसमान को छू रहे थे। जयगढ़ किले की सुहानी शाम में सभाट निवास प्रांगण के खुले आसमान के नीचे कलाकारों ने हवा में अपने संतुलित और नाजुक प्रदर्शन से दर्शकों को सम्मोहित कर दिया। शो के दौरान कलाकारों ने ऐसा महसूस कराया जैसे आसमान में कोई कविता लिखी जा रही हो। रोजेओ की इस 42 मिनट की प्रस्तुति में जीवंत संगीत, इलेक्ट्रॉनिक ध्वनियाँ और फील्ड रिकॉर्डिंग्स का खूबसूरत मिश्रण था, जिसे स्टेफनी गिराड और कैमिले बॉमियर ने निर्देशित किया था। इस शो की संगीत रचना पॉलिन फ्रेमो ने की थी, जबकि पोशाकों की डिजाइनिंग एन जोनाथन ने की। इस शो की शुरुआत 2023 में हुई थी और तब से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी प्रशंसा मिली है, खासकर इस साल के पेरिस ओलंपिक में, जहां इसने अपने खास एरियल प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह पहली बार है जब रोजेओ को भारत में प्रस्तुत किया गया है। इस दौरे की शुरुआत 5 अक्टूबर को चंडीगढ़ से हुई, उसके बाद अहमदाबाद, पुणे और पांडिचेरी में इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर में हुए इस शो में किले का भव्य दृश्य और हरे भरे लैंडस्केप ने शो की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। जयगढ़ किला, जो राजस्थान की समृद्ध धरोहर का प्रतीक है, ने इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का साक्षी बनकर एक नई पहचान बनाई। यह शो केवल एक एरियल परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि भारत और फ्रांस के बीच कला के क्षेत्र में सहयोग का प्रतीक है। यह प्रदर्शन केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के कलाकारों के बीच नए संबंधों और कलात्मक आदान प्रदान का माध्यम भी है। इस शो के दौरान कई वर्कशॉप्स का आयोजन भी किया गया, जहां भारतीय और फ्रेंच कलाकारों ने मिलकर काम किया और एक दूसरे से नई तकनीकें सीख। इस तरह के सांस्कृतिक आयोजनों से न केवल कलाकारों को नया मंच मिलता है, बल्कि दर्शकों को भी समकालीन फ्रेंच कला का अनुभव करने का मौका मिलता है।